ये जी इटालियन घोड़े, खूबसूरत हैं, रेस्टोरेंट्स हैं ज़्यादातर और होटल्स हैं, बहुत प्यारी जगह। हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं ट्रैवलर रति। मेरे पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये है मिलान का बहुत ही मशहूर दोनों चर्च, और इसको मिलके एक्सप्लोर करते हैं। आज मौसम बहुत ही शानदार हो चुका है काफ़ी सारी बारिशों के बाद। सुना एक वीक से यहाँ बारिश थी और क्लाउडी था और टूरिस्ट भी इतने नहीं थे, लेकिन आज बेशुमार टूरिस्ट यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो मैं फ्रंट कैमरे से आपको दिखाता हूँ, खुद भी एक्सप्लोर करता हूँ ये दोनों चर्च, और इसके साथ ही एक शॉपिंग मॉल है और काफ़ी तारीखी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। और इसके अलावा मिलान में जो भी कोई अट्रैक्शन है उसको मिल के एक्सप्लोर करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मिलान का मशहूर दोनों चर्च। रश देखें आप, यहाँ कितने टूरिस्ट आए हुए हैं, और तकरीबन दुनिया के हर मुल्क से यहाँ टूरिस्ट आते हैं। बहुत ही प्यारी बिल्डिंग है, जितने लोग हैं इनमें काफ़ी मुझे टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स भी नज़र आ रहे हैं। आपके साथ भी शेयर करता हूँ कि क्या वो कर रहे हैं यहाँ पे। तो फिलहाल देखें बिल्डिंग का सीन, और ये कबूतरों का सीन भी देख लें। ये वो वीडियोस हैं जो बाद में वायरल होती हैं टिकटॉक पे। ये एक नहीं है, यहाँ पे बेशुमार लोग यही काम कर रहे हैं। तो बेसिकली बहुत अच्छी जगह है वीडियोस के लिए और एक मशहूर सियासी मुकाम है। थोड़ा जूम करके दिखाऊं आपको चर्च। इस चर्च पे बेशुमार स्टैचूज हैं, शायद हज़ारों में, और ये हैंडमेड हैं, और बड़ा तारीखी चर्च है ये। इसके साथ ही जो बिल्डिंग्स हैं इसमें, ये शॉपिंग मॉल है, इसमें बहुत ज़्यादा रश नज़र आ रहा है, इसको चल के देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना रश है यहाँ पे, और इस स्ट्रीट में तो बहुत ही ज़्यादा रश है यार, फुल है। ये शहर फैशन के लिहाज से पहचाना जाता है मिलानो। दुनिया के जितने भी करंट फैशन ट्रेंड्स होते हैं वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, और ये इटालियन को भी मैंने नोट किया है बहुत ज़्यादा फैशन लवर्स हैं, इनके ड्रेस, इनके स्टाइल। तो काफ़ी रश है स्ट्रीट में, बिल्डिंग भी खूबसूरत है। थोड़ी क्लोज लुक दिखाऊं आपको, वाह, पुरानी बिल्डिंग है लेकिन बहुत प्यारी है। बहुत रश है यार, साथ कुछ बिजनेसेस हैं, शॉप्स वगैरह, रेस्टोरेंट्स। लेकिन रियली यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं यार, बहुत ज़्यादा टूरिज्म है, और सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है इनकी। बाहर फौज भी है, इन्होंने तैनात की हुई है, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती लेकिन शायद मेंटेन रखने के लिए, और पुलिस भी जगह जगह पे खड़ी है। कोई हैपन सुना यहाँ नहीं होते, मैंने लोगों से थोड़ा पूछा, लेकिन शायद मेंटेन करने के लिए। और ज़्यादातर लोग यहाँ पे आते हैं ग्रुप्स में मुख्तलिफ ममालिक से, जैसे कि ये देख लें, ये तो मेरे मुल्क से ही आए हैं, पुर्तगाल से। पुर्तगाल का फ्लैग देख रहे हैं आप, ये पुर्तगीज लोग हैं, टूर गाइड्स इनको गाइड करते हैं। तो वाकई यार बहुत ही प्यारा व्यू है, यहाँ अंदर आके खुल जाता है, व्यू चेक करें। यहाँ पे इसकी 1, 2, 3, 4 स्ट्रीट्स, ये किस्म का जंक्शन है यहाँ पे,
एक दो तीन और ये चार। वाह यार, पब्लिक बहुत ज़्यादा, बहुत प्यारी जगह है ये, सच अ नाइस वंडरफुल प्लेस। तो चलते हैं उस तरफ वापस, चर्च की तरफ, वहाँ से निकलेंगे और आपके साथ शेयर करता हूँ मिलान के दूसरे इलाके। तो ये है फ्रेंड्स मिलान का दोनों चर्च, जो यहाँ की पहचान है। बहुत प्यारी बिल्डिंग है, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है और विजिटर्स देखें आप कितने यहाँ पे। पिछले एक वीक से यहाँ पे बारिश थी और काफ़ी मौसम ख़राब था, उस वजह से आज जो ही सूरज निकला तो लोगों की एक बड़ी तादाद आपको नज़र आ रही होगी। कबूतरों की भी यहाँ मौज हैं, यहाँ इनको दाना डालना अलाउ है लग रहा है। और ये मैडम यहाँ टिकटॉक बना रही हैं, इंजॉय कर रहे हैं लोग। बहुत प्यारी जगह, फिलहाल आप ज़रा चर्च का मुआयना करें मेरे साथ। बहुत प्यारी बिल्डिंग है और इस पर छोटे छोटे सुना हज़ारों के हिसाब से ये स्टैचू जो हैंडमेड बनाए गए। क्लोज लुक भी मैं आपको दिखाऊंगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना रश है यहाँ पे। हालांकि अभी सही मायने में ना जो पीक सीज़न होता है टूरिज़म का वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, वो तकरीबन जून जुलाई होगा सितंबर होता है, लेकिन मई में ही यहाँ के हालात आप देख लें। अच्छा फ्रेंड्स, ये है चर्च की क्लोज लुक और मैंने जो नोट किया है इस पर बहुत ही महारत से काम हुआ। मैं आपको थोड़ा क्लोज लुक में दिखाता हूँ कि वाकई इसमें स्टैचू हज़ारों के साथ है, सो नहीं है बल्कि हज़ारों के साथ में, और उसका बहुत ही बारीकी से काम किया गया। ये देखें, कितने स्टैचू हैं यार। वाकई ये हज़ारों में होंगे बिल्डिंग पूरी पे ना, लेकिन बहुत मेहनत वाला काम है कार्विंग। और बड़े स्टैचू तो चलो है ही हैं, लेकिन ये भी सब कार्विंग का काम है। ये है जी चर्च के बाहर का एक मेन चौक, यहाँ से टूरिस्ट इंटर होते हैं और यहाँ पे ये टूरिस्ट बसेस भी हैं। प्यारी जगह, साफ़ सुथरी, बड़ा क्वाइट सा माहौल है यहाँ पे। और थोड़ा आगे चल के देखते हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह यहाँ पे, मेट्रो स्टेशन है, ब्यूटीफुल प्लेस। सामने LCD स्क्रीन्स भी लगी हुई हैं बड़ी। अच्छा, यूरोप के दूसरे ममालिक की तरह इटली में भी साइकिल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, जैसा कि ये देख सकते हैं आप। रेंट पे भी साइकिल्स अवेलेबल हैं यहाँ मुख्तलिफ जगह पे, इन्होंने ये स्टेशन बनाए हुए हैं जहाँ ये पार्क की होती हैं। और यहाँ ये एक आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। भाई बहुत साफ सुथरा शहर है यार मिलानो, आप देख सकते हैं कितनी सफाई है यहाँ। खूबसूरत तो है ही है ये और बहुत सफाई है यहाँ, बिल्कुल लश पश नहीं जिसको बोलते उस तरह। और बिल्डिंग्स यहाँ की बहुत प्यारी हैं, मजबूत लग रही हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की। करीब से आपको दिखाता हूँ, ऐसे लगता है जैसे बनाई गई हैं फॉर एवर।
लेकिन सफाई बहुत पसंद आई मुझे यहाँ पे, बहुत साफ सुथरा है। और यहाँ पे सब चाइनीज, कोरियंस और जैपनीज के रेस्टोरेंट हैं और उनके कारोबार हैं। और ये जैपनीज रेस्टोरेंट नज़र आ रहा है, काफ़ी रौनक है। अच्छा जी, यहाँ मुझे पता चला है कि यहाँ पे चाइनीज़ कम्युनिटी बहुत पुरानी है और वेल सेटल्ड है और यहाँ के लोकल्स में आप काउंट होते हैं। और ये जो स्ट्रीट है, ये चाइना मार्केट कहते हैं इसको। यार मिलानो का ये बहुत ही प्यारा एरिया, ग्रीन भी है यहाँ, वेरी वेरी ग्रीन, साफ सुथरा, बहुत प्यारी बिल्डिंग्स है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। थोड़ी मैं क्लोज लुक भी आपको दिखाऊंगा। और बहुत खूबसूरत ग्लास वाली बिल्डिंग्स है यहाँ पे, सबके डिज़ाइन डिफरेंट हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, ये IBM का ऑफिस है, रीजनल ऑफिस। और इस तरफ भी कुछ बिल्डिंग्स हैं, वो जो लास्ट पे नज़र आ रही है, मैं जूम करके दिखाता हूँ, वो सैमसंग का ऑफिस है ये वाला।